नमस्कार दोस्तों, आज समझते हैं बेसिक डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज कैसे करते हैं। तो उसके दो तरीके होते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है और एक पीवी फंक्शन होता है। तो पहले हम देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जाइए आपके एक्सेल में, वहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी एक एक्सेल शीट तैयार करके रखी है, जिसमें मैंने ईयर और नेट इनकम या फ्री कैश फ्लो मैंने पहले से ही लिख के रखा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मूले से डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज कैसे करते हैं देखते हैं। तो पहले चाहिए इज इक्वल टू लिख दीजिए, और पहला आपका फ्री कैश फ्लो दीजिए और उसको डिवाइड कीजिए ब्रैकेट ओपन करके 1 प्लस आपका जो वैक होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो दीजिए। ठीक है, और इसके आगे डॉलर का साइन लगा दीजिए ताकि ये लॉक हो जाए, पूरा सेल लॉक हो जाए। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और रेस्ट टू कीजिए। ये ईयर हो गया, ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, ये आपका पहला डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया। अभी आपको सिंपली करना है इसको डबल क्लिक और ये नीचे आ जाता है। तो ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला से बेसिक डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज हो चुका है। ठीक है, और दूसरा होता है पीवी फंक्शन के साथ। तो सेम वही करना है हमें, पीवी फंक्शन भी एग्जैक्टली वैसे ही कैलकुलेट करता है। तो आइए देखते हैं कि पीवी फंक्शन के साथ कैसे होता है। तो जाइए एक्सेल में, डिजायर्ड सेल में, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर लिख दीजिए पीवी। तो वो रेट पूछेगा आपको, तो जो आपने यहाँ पर पहले से लिख के रखा है मैंने वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो दीजिए। ठीक है, और इसको पहले लॉक कर दीजिए। लॉक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जब ड्रैग करोगे नीचे तो कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो इसको पूरा पूरा लॉक करना है, रो और कॉलम दोनों को लॉक करना है। ठीक है, उसके बाद वो पूछेगा नंबर ऑफ पीरियड्स, तो उसको यहाँ से सेल रेफरेंस दीजिए। ये इसको कोई लॉक नहीं करना है। अभी वो आपको पीएमटी पूछेगा, तो उसको स्किप करना है और एफवी जो है उसको ये दे देना है, आपका अमाउंट, और टाइप टाइप जो होता है वो 0 दे देना है। ठीक है, तो आ गया आपका ये भी पीवी फंक्शन के साथ सेम अमाउंट। यहाँ पर कुछ रह गया है, तो ये आ गया है, और इसको भी आप सिंपली डबल क्लिक करके ये आ जाएगा। अभी ये रेड में आ रहा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पर जो ये दिया है इसको हमने माइनस में देना देना चाहिए था, जो कि हमने दिया नहीं है, तो हम इसको माइनस में दे देंगे, इसके आगे माइनस साइन लगा देंगे, तो ये आ जाएगा प्लस में। और फिर आपको वही सेम अमाउंट पीवी फंक्शन से भी मिलेगी। तो ये था बेसिक डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, धन्यवाद।